नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ और मैं हूँ रूहानी। साउथ कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि साउथ कश्मीर का पुलवामा का जो इलाका है, जो आतंकवाद से ग्रस्त बताया जाता है, वहाँ पर आतंकवादियों की जो गतिविधियाँ हैं वो बहुत बढ़ती हैं। तो उन्हीं आतंकवादियों को जो न्यूट्रलाइज करने की जो कोशिश है ऑपरेशन ऑल आउट के तहत की जा रही है, और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत टॉप कमांडर्स का भी सफाया किया गया और जो भी गतिविधियां हैं उन पर नकेल लगाने की भी कोशिश जो है वो की जा रही है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो CRPF के जवानों का भी है, SOG का भी है, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी है और इंडियन आर्मी का भी है। और हमेशा की तरह जॉइंट ऑपरेशन जो है वो चलाए जाते हैं और मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने की जो कोशिश है उसमें तेज़ी लाई जाती है। अभी जो खबर आ रही है वो पुलवामा से आ रही है। आपको मैं बता दूँ, चकोरा का जो एक इलाका है जो पुलवामा में पड़ता है, वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ देर पहले जो है एक एनकाउंटर जो है उसकी शुरुआत हो गई है और मिलिटेंट्स की जो गतिविधियाँ हैं या फिर हम कहें मौजूदगी उस इलाके में, उन मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने की जो कोशिश है उसमें तेज़ी लाई गई है। एक जॉइंट ऑपरेशन ये चलाया जा रहा है जिसमें आर्मी की 5RR, SOG और CRPF ने भागीदारी ली है और हमेशा की तरह आतंकवादियों को जो है उन पर नकेल कसने के लिए, उनका सफाया करने के लिए जो कोशिश है उसमें तेज़ी लाई गई है। और मैसिव क्लैशेस जो हैं वो शुरू हो गए हैं, यानी कि पत्थरबाजी की जो घटना है वो भी वहाँ पर शुरू हो गई है। और जिस तरह से कुछ दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था और उसमें ये बताया गया था कि किस तरह से एक मिलिटेंट का शेल्टर बनते हुए कुछ लोग वहाँ पर उस मिलिटेंट को भगाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि शेल्टर दे रहे थे और उस इलाके से भगाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी तरह से एनकाउंटर साइट पर कुछ लोगों की मौजूदगी हो गई और वहाँ पर कुछ लोग आ गए और उन्होंने पत्थरबाजी की घटना जो है वो उसकी जो कोशिश है उनकी अभी भी जारी है, क्लैशेज अभी भी चल रहे हैं। और साउथ कश्मीर का जो इलाका है, हमेशा से हमारी कोशिश रहती है कि साउथ कश्मीर के इलाके में जिस तरह से ये जो मिलिटेंसी की घटनाएं हैं, आतंकवादियों की घटनाएं हैं ये जो बढ़ रही हैं, उससे आपको पल पल की अपडेट देते रहें और जो भी एनकाउंटर होता है उसकी जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाएं। तो क्लैशेस शुरू हो गए हैं, पत्थरबाजी की घटना शुरू हो गई है। हालांकि हमेशा से एक हिदायत ये भी दी जाती है कि आप एनकाउंटर साइट पर मत आइए, क्योंकि वहाँ पर घायल होने की भी कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि आप घायल हो सकते हैं, वहाँ पर आपको चोटें भी आ सकती है, क्योंकि बहुत चुनौतीपूर्ण माहौल होता है और वहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण माहौल होता है, क्योंकि एक तरफ से हम कहें तो एक तरफ से मौसम की मार होती है जिस तरह से मौसम है कश्मीर का, और दूसरी तरफ से जो है आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश होती है, और तीसरी तरफ से इस तरह की पत्थरबाजी की घटना से निपटना ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन पुलवामा का इलाका, पुलवामा में जो है जिस तरह से गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो उस इलाके को अब आतंक मुक्त करने के लिए तो आए दिन जो है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, कासू ऑपरेशन चलाए जाते हैं, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, यानी कि पहले पूरी जानकारी जब प्राप्त होती है, पहले ये बताया जाता है कि आसपास के कुछ इलाके हैं वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ जो हमेशा सतर्क रहती हैं और वो देखती हैं कि किस इलाके में कितने मिलिटेंट्स की मौजूदगी है, तो वो एजेंसियां जो है वो अपना काम जो है वो बहुत निष्ठा से कर रही हैं, बहुत ज़िम्मेदारी से कर रही हैं, और वो एजेंसियां ये देखती हैं कि कौन से इलाके में कितने आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं, आतंक का जो एक रुख है वो किस तरफ हो रहा है, तो वो जो सुरक्षा एजेंसियों का इनपुट होता है उसी इनपुट के आधार पर जॉइंट ऑपरेशन चलाए जाते हैं, कासो लगाया जाता है, और कासो की मैं बात करूँ तो कॉर्डन कर दिया जाता है इलाके का। जैसे ही इनपुट मिलते हैं कि इस इलाके में कुछ मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, इस बिल्डिंग में छुपे हुए हैं, तो वहाँ पर जो है कॉर्डन कर लिया जाता है और जॉइंट ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें बहुत बड़ी भागीदारी SOG की भी होती है, आर्मी की भी होती है, CRPF के जवानों की भी होती है, जम्मू कश्मीर पुलिस की भी होती है, यानी कि कहीं से भी मिलिटेंट को भागने में जो कामयाबी नहीं मिले तो उसके लिए घेराबंदी कर दी जाती है। और जब घेराबंदी कर दी जाती है तो न्यूट्रलाइज करने की जो कोशिश है उसमें तेज़ी लाई जाती है, और इसलिए भी लाई जाती है क्योंकि यही जो मिलिटेंट्स हैं आने वाले वक्त में देश के लिए खतरा बन सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन बहुत अहम होता है, और कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जब चलाया जाता है तो इनपुट के आधार पर चलाया जाता है, और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि साउथ कश्मीर का जो चकोरा का इलाका है, पुलवामा में ये डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पर जो है वहाँ पर
अभी क्लैशेस शुरू हो गए हैं। हिदायत हमेशा से दी जाती है लोगों को कि आप एनकाउंटर साइट पर मत आइए, क्योंकि क्रूशल एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर आपको चोट भी आ सकती है। और वहाँ पर जो है, आपको बता दें कि वहाँ पर जॉइंट ऑपरेशन जो है चलाया गया और वहाँ पर क्लैशेस शुरू हो गए हैं। और साथ ही साथ आपको एक और खबर दे दूँ कि कुछ देर पहले CRPF के कैंप पर अनंतनाग में ग्रेनेड अटैक हुआ है, लेकिन इस ग्रेनेड अटैक में कोई भी कैजुअलिटी जो है वो अभी तक नहीं हुई है। यानी कि कुछ देर पहले अनंतनाग में एक ग्रेनेड अटैक होता है और उसके बाद एक एनकाउंटर जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। और बात की जाए यहाँ पर पत्थरबाजी की घटना जो है वो हो रही है, और पत्थरबाजों से निपटने के लिए यहाँ पर जो है मोर्चा संभाल लिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। और दूसरी तरफ से हमेशा की तरह एक चुनौती है, एक मौसम की मार है, दूसरा हम कहें कि पत्थरबाजों से निपटना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पत्थरबाज है ये बाधा बनते हैं एनकाउंटर पे, तो उनसे निपटने की भी बहुत बड़ी चुनौती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अनंतनाग में ग्रेनेड हमला होना ये एक कायराना हरकत है, जिसमें बौखलाहट जो है वो साफ तौर पर जो है वो मिलिटेंट्स की देखी जा रही है कि किस तरह से आर्मी स्टेशन को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह से इंडियन आर्मी को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह से पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया जा रहा है। और ग्रेनेड अटैक करना CRPF के कैंप पर ये कायराना हरकत है, जिससे बौखलाहट ये भी हो सकती है कि कुछ दिन पहले जो है वो टॉप कमांडर्स का मारे जाना और उनकी जो मारे जाने के बाद एक बौखलाहट जो है वो सामने आ सकती है कि किस तरह से अब आतंक की जो है वो कमर टूट गई है। और वो बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि जो CRPF के जवान एनकाउंटर्स में भागीदार होते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस होती है, उनको जो है निशाना बनाया जा रहा है। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, एक वीडियो वायरल हुई थी कुछ दिन पहले और वहाँ पर एक लड़की, उसको भी आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया था और सोशल मीडिया पर वो वीडियो जो है वो सर्कुलेट कर दी गई। और वहाँ पर भी जो था वो बताने की कोशिश की गई कि आतंक जो है अभी ज़िंदा है। और वही जो एक दहशत का माहौल जो है बनाने की कोशिश की गई, ये पहली घटना नहीं थी। इससे पहले की बात करूँ तो इससे पहले भी दो युवक जो हैं उनकी इसी तरह से हत्या कर दी गई, बहुत छोटी उम्र थी उनकी, लेकिन उनकी भी हत्या कर दी गई। और एक की हत्या जो है वो गला रेत